आज के दिन हम बात करेंगे ITC की। ITC में छोटी मोटी अपसाइड के साथ क्लोजिंग देखने के लिए मिली है और आने वाला जो दिन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा ITC के लिए। इसके पीछे की वजह हम डिस्कस करते हैं। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। स्टॉक लगातार गिरावट में है एक बड़ी तेज़ी के बाद, ऑलमोस्ट 500 के लेवल से, और अभी जहां पर ट्रेड कर रहा है ये इसका सपोर्ट जोन ही है। इससे पहले भी स्टॉक ने छोटी मोटी गिरावट के इसी लेवल से बाउंस बैक करके 500 तक के टारगेट दिखाए थे। तो आज के डेट में आपने देखा होगा कि मार्केट की गिरावट के साथ 445 के लेवल को टेस्ट किया, वहाँ से छोटी मोटी रिकवरी देखने के लिए मिली है। अभी पूरा रिजल्ट पर डिपेंड रहेगा, हो सकता है कि ऑपरेटर गेम हो और बड़ा गैप डाउन भी देखने के लिए मिले, लेकिन रिजल्ट अच्छे आने की चांसेस नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट में भी जम देखने के लिए मिल सकता है, हो सकता है कि रेवेन्यू में छोटी मोटी गिरावट देखने के लिए मिले। अभी आने वाले जो ट्रेडिंग डे है अभी वहाँ पर गैप डाउन में ओपनिंग देखने के लिए मिलती है, तो स्टॉक यहाँ से 420 के आसपास भी ओपनिंग दे सकता है, लेकिन स्टॉक रिजल्ट के बाद भी 440 के ऊपर सस्टेन होते नज़र आया तो फिर आप यहाँ ख़रीदारी करके चल सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के बाद बड़ी गिरावट पूरे मार्केट में ही देखने के मिली थी। उसके बाद सारे स्टॉक डबल से ट्रिपल हो चुके हैं, लेकिन ITC इसी रेंज में रेंज बाउंड हो रहा है। अभी रिसेंटली स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया अपने ऑल टाइम हाई को, यहाँ से एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल सकता, यहाँ एक मौका बन सकता है ख़रीदारी का। चाहे तो छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ एंट्री ले सकते हैं। अगर गैप डाउन में ओपनिंग देखने को मिलती है, बड़ी गिरावट आती भी है 420 या 400 के आसपास मिला, तो वहाँ पर पूरी क्वांटिटी के साथ एंट्री ले सकते हैं। अगर इसी रेंज में स्टॉक ओपन होता है और कंसोलिडेट होता है तो इस रेंज में एंट्री ले जा सकती है। अगेन स्टॉक फिर इस रिसेंट हाई को ब्रेकआउट देके हमको यहाँ 600 तक के भी टारगेट दिखा सकता है।